हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का चलिए बातें करते हैं विद निमिषा में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, कहीं जा रही हूँ, मेरे साथ लगेज है और कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो मैं एक नई यात्रा पर जा रही हूँ, ना सिर्फ ट्रेन की नई यात्रा बट जीवन की एक अलग यात्रा पर, एक अलग सफ़र पर, एक अलग पड़ाव पर, और आज कुछ नया एक्सपीरियंस भी होने वाला है। तो मैंने कभी भी इससे पहले फर्स्ट क्लास एसी में ट्रैवल नहीं किया है, जिसके बहुत सारे ऑब्वियस कारण रहे हैं। सबसे पहले तो मिडिल क्लास लोग हम, ठीक है, और दूसरी चीज़ फर्स्ट एसी का प्राइस इतना ज़्यादा होता है कि वो एकदम फ्लाइट से मिलता जुलता होता है। तो अगर किसी को इतना वैसे लगाना ही है जब भी, तो वो फर्स्ट एसी में क्यों लगाए। तो वही देखना है कि क्या कुछ सुविधाएं रहती हैं और क्या कुछ मज़ा आता है या नहीं। ट्रेन की जर्नी मुझे वैसे ही सारी बहुत ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू फ्लाइट, उसमें तो सिर्फ बादल बादल दिखते हैं। तो जुड़े रहें मेरे साथ और कमेंट्स करते रहें कैसा लग रहा है, मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ। और चलिए ट्रेन का इंतज़ार कर रही हूँ जो अभी 1.5 घंटा लेट है, और ट्रेन चल चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड ये है हमारा कोच, और अभी ना एक बहुत बड़ा स्यापा हो गया है। द थिंग इज़ कि एक कूप में ना वैसे ये लोग सेम सेक्स के लोगों को देते हैं, जैसे मेल मेल, फीमेल फीमेल, लेकिन मेरे साथ ना एक मेल है, लड़का ऐसे ही है चोमो सा, बट छोटा भी है मुझसे, बट तो भी एक कम्फर्ट लेवल होता है ना। तो ये है, और अभी मैं वही टीसी और अटेंडर को ढूंढ रही हूँ, ब्लैंकेट चाहिए और ये गैलरी है। आसपास में भी जो है ना कपल्स हैं या फिर चार वाले हैं, तो वो पूरी फैमिली है, बुजुर्ग लोग हैं, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। और अटेंडर भी बड़े अच्छे से रहते हैं सिक्योरिटी वाइज। और ना अब सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है कि वॉशरूम कैसा होता है फर्स्ट एसी का। स्लीपर का बुरा होता है, थर्ड एसी का बुरा होता है, सेकंड एसी का भी बुरा होता है, अगेन डिपेंड्स ऑन द वॉशरूम, डिपेंड्स ऑन द ट्रेन। तो ये बाथरूम 1, हे भगवान। ओके, तो ये बेसिकली नहाने का है, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये है, दिस इज़ अ गुड थिंग, मुझे नहीं पता था कि ऐसे ही नहाने का अलग होता है, शावर भी दिया है। और दिस इज टॉयलेट वेस्टर्न स्टाइल, होपफुली इट्स गुड। फ्लोर थोड़ा और बेहतर हो सकता था, पंखा चल रहा है। आई विल रेट दिस 6/10। खैर अब चंडीगढ़ से गाड़ी आ रही है तो ठीक है, बट फर्स्ट क्लास के हिसाब से और बेटर होना चाहिए। बट जब सूसू आता है ना तो इंसान फिर कंडीशन नहीं देखता है, घुस जाता है। जैसे हम इसी थर्ड एसी में भी यूज़ करते हैं, सेकंड में भी करते हैं, और एक बच्चा दिखा है। चलो जी ठीक है, अब आगे दिखाते हैं। आगे ना वहाँ पे ब्लॉक करना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, क्योंकि मेरी ना एक तो ऊपर की सीट है वो कूप में, और इसलिए दिक्कत हो जाएगी। बट मैं कोशिश करूँगी जितना भी आप तक पहुँचा पाऊँ, और मेनली तो आप लोग वीडियोस मेरी आवाज़ सुनने के लिए, मेरी प्यारी शक्ल देखने के लिए देखते हैं ना, तो वो तो आपको मिलेगा ही। इन्जॉय। अब मैं क्या करूं यार, व्लॉग कैसे करूं, बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, और मैं सिर्फ अपनी शक्ल ही रिकॉर्ड कर पा रही हूं। मुझे लग रहा था कि कोई और नहीं होगा, मैं मस्त व्लॉग करूंगी, आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगी, और वो आप मेरे चेहरे पर पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी घबराहट है, थोड़ी सी एन्जाइटी है, और 2 घंटे हो गए और मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ, इधर उधर देख रही हूँ, और सामने एक दीवार है उसे देखी जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ना ये सीढ़ी भी होती है ऊपर जाने के लिए, फर्स्ट क्लास थिंग्स। सामने ये पोस्टर है जिसको मैं 3 घंटे से निहार रही हूँ, और ये एक ऐसा सीट भी होता है, ये मेरा क्लचर है। ओ भाई भाई, मैं तो व्लॉग ही रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी कि मतलब यहाँ पे वो बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है, तो वैसे ऑकवर्ड नहीं लगेगा, इसके पास गिटार भी है। और चलो चलो जल्दी जल्दी मैं व्लॉग बना लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ नई लगी वो ये है, सबसे पहले तो यहाँ ये बेल लगी हुई है, ठीक है, कि अटेंडर को बुलाना है तो ये बेल दबा दो। फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इनका जो ये आईना है, ये इतना ऊपर क्यों बना रखा है इन लोगों ने, मतलब फर्स्ट एसी वालों की इतनी हाइट होती है क्या। तो मैं आपको अब जल्दी से बैक कैमरे से कुछ कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ। और वैसे मैंने उस लड़की से पूछ लिया है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी, मैं व्लॉग करूँगी, तो उसका नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, लोग तो आना चाहते हैं मेरे व्लॉग में।
ये कट कर देना चाहिए। और चलो दिखाती हूँ आप लोगों को मेरी ना ऊपर की सीट है, नीचे की होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब एक एक चीज़ दिखाते हैं। अरे क्या, जब तक ट्रेन में वो छक 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 रेल गाड़ी चलती जाए, रेल गाड़ी वाला फील नहीं आता ना, तब तक मज़ा ही नहीं आता। बाहर आके तो भी ऐसी आवाज़ आ रही है। मैं हर तरह की रेल सफ़र में बैठ चुकी हूँ, चाहे वो फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो, थर्ड एसी, अब जाके फर्स्ट एसी, स्लीपर हो, जनरल हो। यू नो, अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले तो ऐसे होता था कि अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कहीं पर जाना है तो आपको ऐसे रिजर्वेशन नहीं करवा सकते थे उस सीट का, लेकिन अब तो होने लगा है। तो पहले परिवार वालों के साथ जाकर ट्रेन जितने बजे शुरू होती है वहाँ पहुँच के अपना तौलिया वौलिया बैग रख के जगह घेरना, फिर कोई आ जाए तो उनके लिए शिफ्ट भी होना, इस तरीके से बहुत सारी ट्रेनों की लड़ाइयाँ भी देखी हैं मैंने। और जनरल डिब्बे में भी, लेडीज़ डिब्बे में भी मैं बैठ चुकी हूँ, जनरल वाले अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और मैं देखती जा रही हूँ कि कोई आए जाए ना, तो इसलिए मैं इधर उधर देख रही हूँ। और तो इस तरह का कुछ रहा है, बट यही, अगर आप किसी के साथ आओ, परिवार वालों के साथ, ठीक है अच्छा आएगा। ठीक है, रेडी नाउ, इट्स टाइम टू गेट कंफर्टेबल। और इनका खाना आ गया है। आप चाहे फर्स्ट एसी में हो, सेकंड, थर्ड या स्लीपर में, रेलवे का खाना यही रहता है। तो तुमने टेस्ट कर लिया है, क्या है तुम्हारा इस खाने के लिए? इट टेस्ट गुड एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी आल्सो सीम्स टू बी गुड। सो 1 से 10 के स्केल पर हाउ वुड यू रैंक दिस? आई वुड गिव इट 7। चलो, तो ये इनका सामान है, ये मेरी सीट है। एंड जैसा कि मैं आपको दिखा रही थी, ये आईना बड़ा ही ज़्यादा ऊपर लगा रखा है इन लोगों ने। तो या दिस इज इट। अब मेरा खाना मैं घर से लेकर आती हूँ, घर की रोटी सब्जी, क्योंकि घर की रोटी सब्जी का कोई मेल नहीं है। अच्छा, अब ना बहुत ज़रूरी बात, जो ये वीडियो देखकर भी आपको लग रहा होगा और जो मेरे घर वालों को भी लगा, जब मुझे पापा छोड़ने आए तो घर जाके वो इतने ज़्यादा टेंस्ड हो गए हैं कि यार ऑब्वियसली ये कोच है हमारा, ठीक है, ये गेट, यहाँ से ये गेट है, एंटर हो, और ये कूप है, ठीक है, ये नीचे एक है और ऊपर एक है, मेरी ऊपर वाली सीट है। बट ऑब्वियसली ऐसा लगता है ना कि वैसे तो ये सेम, मतलब या फिर लड़कियों लड़कियों को अलॉट होती है, लड़के लड़कों को होती है, लेकिन क्योंकि वेटिंग क्लियर ही नहीं हो रही थी और यही सीट थी तो यही मिली, टीसी से भी बात करके देख लिया, बट इट्स फाइन। और ऐसे ही आप सीखते हो कि कैसे आपको जीवन की हर कठिनाई, मतलब मेरे साथ तो ऐसा कि मैं मतलब लिफ्ट में ही कभी मैं और कोई लड़का है तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, और इसके बहुत सारे कारण हैं, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर आप हर लड़के को उसी नज़र से देखते हो कि हाँ, यू नो, आपको अपने आप को बचा के रखना है, चौकन्ना रहना है। मेरी मम्मी को तो, मेरी मम्मी का तो फ़ोन आ गया, 3-4 वीडियो कॉल आ गए, और कह रही थी कि रात भर सोना नहीं है। तो कोशिश तो करूँगी, अपनी तरफ से आप बना के रखो, और बस यही है। और फर्स्ट एसी में कुछ खास मज़ा आ नहीं रहा है, मतलब मैं आज के बाद शायद ही कभी बैठूं, अगर परिवार वाले के साथ आ रही हूं तो फिर अलग ही बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड लग रहा है, बहुत ज़्यादा अकेले अकेले। और मुझे ना खिड़की के बाहर भी कुछ खास है नहीं। अच्छा, ये अभी ऐसा लग रहा है जैसे टीवी हो, क्योंकि ये सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, नज़ारे भी नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है सुबह अच्छा लगे, बट इस वीडियो से जो एक चीज़ मैं यहाँ पर साफ साफ बोलना चाहती हूँ, जितने भी पुरुष, जितने भी लड़के ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ ये कोशिश करें कि जब भी आपके सामने ऐसी कभी सिचुएशन आए तो मेक श्योर कि आप सामने वाली महिला को कंफर्टेबल फील कराने में अपना योगदान दें। एंड ये जो यहाँ पे बैठा है बंदा, मैं तो उसका नाम ही भूल गई, तो ही इज़ डूइंग, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो वही है ना, क्योंकि अंदर से हमारी इनसिक्योरिटी रहती है, तो बस यही है। और रात हो गई है, मैंने खाना खा लिया है और अब मैं सोने की तैयारी में हूँ। और कुछ, अच्छा, मैं एक दो बार ना ऐसे सोची थी कि मैं बेल बजा के बुलाऊँ अटेंडर को, बट क्या मतलब है ना, तो यही है। और सो फार अच्छा रहा है सब कुछ,
बाहर का दिखाती हूँ एक बार. ये ना ऐसे खुलता है. अच्छा आप देखिए टेप लगा रखे हैं, कुछ होगा इसका लॉजिक. अच्छा ये रबड़ गिर रही होगी. एंड ये ऐसे गैलरी रहती है. ये गैलरी है, आसपास भी हैं और रूम्स. दिस इज द गैलरी. बाहर तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, लेकिन ये आईना साफ नहीं है. ये फाइनली मुझे नीचे की सीट मिल गई है. मैंने देखो सबसे पहले तो वो लड़के से साफ साफ नहीं बोला कि मुझे नीचे की चाहिए, बिकॉज़ मैं अपना फ़ीमेल कार्ड प्ले नहीं करना चाह रही थी बेसिकली. और मैं सिर्फ बोला कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दैट्स इट. मैं ऊपर भी सो सकती थी दो तीन कंबल ओढ़ कर, बट सही लग रहा है. और आप देख सकते हैं चश्मे में मैं कितनी इंटेलिजेंट भी लग रही हूँ. और अब सोने का वक्त है. नींद आ रही है यार, लेकिन मम्मी ने बोला था सोना नहीं है, क्या करूँ. तो थोड़ी बहुत झपकियाँ लूँगी लेकिन जागती ही रहूँगी. चलो अब सोने की तैयारी करते हैं. बाय. उससे पहले सोना नहीं है, ठीक है. तो ये चादर जमा लिया है. पता है बेड बनाना बहुत ज़रूरी बात होती है. और अगेन मैं फ़ोन से ही वीडियोस बनाती हूँ यार. ये यहाँ पर होती है लाइट, कितनी अच्छी चीज़ है ना. वरना लोग जो बाकी एसी सेकेंड या थर्ड होता है स्लीपर, उसमें से लाइट का नहीं होता है प्रोविज़न. और मैं चश्मे के साथ नहीं सोऊंगी डेफिनेटली, इतनी अंधी नहीं हूँ. बहुत कम पार है मेरे चश्मे की भी. चश्मा हटा दिया है. अब आपसे मिलते हैं सुबह. बाय. नींद आ रही है यार, लेकिन सो नहीं सकते हैं. अब हो चुकी है सुबह. टटड़ा थोड़ा सा सो लिया है. सुबह के 6 बज रहे हैं. बाहर बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा है. एंड मेरी शक्ल आप देख सकते हैं उबली हुई सी है. मुंह भी नहीं धोया है अभी, क्योंकि व्लॉगिंग में आपको पूरी चीज़ें दिखाना होती हैं. तो मेकअप तो मैं वैसे ही नहीं करती हूँ. एंड चलो अब थोड़ा कुछ और दिखाते हैं. अच्छा ये भैया ना यहाँ खड़े थे, कोई से प्लेटफॉर्म पे रुकी है स्टेशन पे. और ये अच्छा एसी में जो कांच होते हैं ऐसा होता है कि आप अंदर से बाहर देख सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर नहीं. तो ये अपने ना अभी बाल संवार रहे थे और मैं उन्हें देख रही थी. एंड देखिए सुबह उठकर मैंने अपना बेड जमा लिया है, ब्लैंकेट फोल्ड करके रख दिए हैं. और पहली चीज़ जो आपको सुबह उठकर करना चाहिए वो यही है, ताकि वहीं से आपकी सकारात्मकता आ जाए, ठीक है. बहुत ज्ञान हो गया है. एंड यहाँ सफाई हो रही है. आपने देखा होगा स्लीपर में जनरली देखा जाता है कि गरीब लोग आते हैं कुछ कुछ अलग तरह के, और फिर वो थोड़ा थोड़ा साफ़ करके वो आपसे पैसे मांगते हैं. लेकिन यहाँ पर ये ड्यूटी रहती है इनकी. अभी हम सफ़र में हैं, नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं. अच्छा एक चीज़ जो मुझे ट्रेन की जर्नी में बहुत ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू प्लेन की जर्नी, वो यही है कि नज़ारे. ऊपर आपको सिर्फ बादल मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ यू नो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं. तो वही, तो हमारा डेस्टिनेशन आ चुका है जहाँ के लिए मैं आई हूँ, विच इज़ पुणे. और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो. अब मुझे जल्दी से उतरना पड़ेगा. तो ये थी मेरी फर्स्ट एसी में पहली यात्रा. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर आप रिलेट कर सके हो तो कॉमेंट करना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.